न्यायालय के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। पूरा मामला जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर के ग्राम सजीपुर गांव से है। यहां के रहने वाले पीड़ित रामबली यादव ने तहसील अमेठी पहुंचकर उप जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि स्थगन आदेश के बावजूद संग्रामपुर थाना प्रभारी की शय पर भूमाफिया हमारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि इससे पहले भी पीड़ित उक्त भूमाफियाओं की शिकायत नायब तहसीलदार से कर चुका है, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को रोकने के आदेश दिए थे। संग्रामपुर थाना प्रभारी को ये अवैध कब्जा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि पीड़ित के पास नायब तहसीलदार द्वारा भूमाफिया अवैध कब्जे को रोकने के आदेश मौजूद है, फिर भी थानेदार पीड़ित की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर पीड़ित उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो चीफ सर्वेश श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामबली यादव। कहाँ के निवासी? ताजीपुर के निवासी हैं सर। क्या समस्या लेकर अमेठी तहसील पहुंचे? अंदर हमारे मशीन पर हमारा पेड़ ओड़ लगा है सर, वहाँ संतोष कुमार, अशोक, विजय कुमार, श्रवण कुमार, ये लोग, एक रमेश चंद्र सनाफ पन्नालाल को लाकर रमेश्वर राम आश्रय बना दिए हैं। वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, न कभी रहे हैं, उनको लाकर जबरदस्ती हमारा मकान, हमारा पेड़ काट रहे हैं। थाना पुलिस के यहाँ गए, कोई सुन नहीं रहा है। SDM के यहाँ गए, स्थगन आदेश भी भेजे दिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कहाँ से स्थगन आदेश मिला आपको? सुल्तानपुर से, दीवानी से। तो अभी आपने इनको उप जिलाधिकारी को बताया तो? हाँ, क्या उप जिलाधिकारी को मैंने दिया, इन्होंने रोका लेकिन मान नहीं रहे, काम चल रहा है सर। पुलिस वाले भी नहीं रोकने गए? पुलिस वाले गए थे लेकिन काम नहीं रुक रहा है, काम चल रहा है सर। और हम अकेले हैं, पूरा गांव है, वो हरिजन है सर, हरिजन है लगाने की धमकी देते हैं। हमारे यहाँ गांव में ब्राह्मण हैं, उन लोगों के ऊपर ये लोग हरिजन लगा दिए हैं, इसलिए इनसे सब गांव वाले डरते हैं सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारा जो है वो खाली हो जाए सर।